शादी पे सोशल मीडिया पे क्या मसला पड़ गया था जो सारे मारिया के पीछे पड़ गए? ये बड़ी दिलचस्प बात थी। मेरी एक सहेली है मारवी सरमद, उसने ही हमारी एक तस्वीर ली और उसके बाद उसने वो ट्वीट कर दी कि मेरे दो बड़े अच्छे दोस्त हैं, इनकी शादी हो गई है। और वो जरा अनफ्लैटरिंग एंगल था, मतलब साइड एंगल से हम जरा हंस भी रहे थे और उम्र, आई थिंक इट वॉज अ वेरी नाइस पिक्चर, शायद मुझे वो अच्छा लगता है इसलिए मुझे उसकी हर तस्वीर अच्छी लग रही। सोशल मीडिया पे जी एक तूफान मच गया कि ये इसने किससे शादी कर ली है, इस आदमी की शक्ल देखो कैसी है, और पैसा होगा इसके पास, कुछ तो होगा, और देखो लड़कियां पैसे की पुजारिन, ऐसे ऐसे मीन कमेंट्स। और ये मेरी शादी की शाम को 7-8 बजे, क्योंकि हमारी दोपहर की शादी थी, तो मैं परेशान कि यार दिस इज सपोज टू बी योर हैप्पीएस्ट डे ऑफ योर लाइफ ना, इन लोगों को क्या मसला, इन लोगों को क्या तकलीफ है। तो पूरी रात मीम्स बन गए, मतलब ऐसी दिमाग में बात है, ऐसी बातें लिखते हैं लोग कि बंदा खुद जो है ना वो मियां को देखना शुरू हो जाए। हाँ, मतलब ये फैसला सही, बाकी ये सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। और अंगूर के पहलू में लंगूर, और लंगूर को अंगूर में, मतलब You name it, nasty। और अब पता है इससे उनकी अपनी तरबियत भी पता चल रही थी। फिर कहीं किसी ने थोड़ा सा रिसर्च किया कि जी लड़का तो CSS टॉपर है। उसके बाद एकदम जो है ना टाइड टर्न हो गई। लोगों ने कहा कि तुम्हें तो यूनिवर्सिटी में जिनको दाखिले नहीं मिलते उसको बातें सुना रहे हैं, और फिर लोगों ने उससे सवाल पूछने शुरू कर दिए, हमने भी CSS करना है, कैसे कर सकते हैं। तो फिर ये एक मजाक बन गया। लेकिन ये उर्वा वगैरह के साथ भी हुआ था, आई गेस, उसको हम देख रहे थे। लोगों की खुशी में कोई खुश नहीं रह सकता, दिस इज वेरी सैड। मतलब शायद आपके अंदर खुद इतना हॉलोनेस से इतना खोखलापन है कि कोई अगर खुश है।